हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और टाइम हो गया फिर से 12:05, और ये देखिए इसका सोने का टाइम है। सो गाइस, ये बाबू हमारा सो गया है। और सोएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये बाथरूम में दोनों कम से कम 30 मिनट तक अच्छे से कूद कूद कर नहाते हैं। क्यों चाहिए किटू, कितने जोर जोर से कूद कूद कर नहाता है। तो आराम से मस्त इनको नींद आ गई। और अब मैं आज से अपना काम शुरू करने वाली हूँ। लेकिन एक मिनट, एक मेरे भैया, मेरा भाई है जो भी आया है, उससे मिलाते हुए देखिए। हाय, हेलो, क्या किट्टू तू बाथरूम में कितनी देर तक ना आया? बहुत देर तक। अब नींद नहीं आ रही तेरे को? कार्टून देख रहा है। हेलो। सो गाइस, मेरे घर का सारा काम, मतलब ये नहीं बोल सकती हूँ कि सारा निपट गया है, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट निपट ही गया है। खाना पीना बनाना खा भी लिया है, बट बर्तन शायद अभी साफ़ करने पड़े हैं। और यहाँ पर पहले मैं थोड़ी सी अभी करने वाली हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि आप देख ही सकते हो मशीन मैंने नीचे ला कर रख दिया है, जो कि मेरी सिलाई मशीन है। तो इसी के कारण मुझे थोड़ा सा है ना साफ़ सुथरा करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे मशीन का, जो भी छोटा मोटा सामान है ना वो रखने के लिए। तो वही मैं देख रही हूँ कि स्पेस मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि पूरे ही घर में कहीं पर भी है ना छोटे से छोटे सामान रखने की जगह नहीं है। मतलब नीचे रख सकते हैं, बट छोटे बच्चे होने के कारण हम कुछ भी सामान नीचे नहीं जगह मतलब रख पाएंगे। तो इसी वजह से जो भी सामान है या तो छुपा के रखना पड़ेगा, या तो कबर्ड में, या फिर ड्रो वगैरह में, या फिर ऊपर ही रखना पड़ता है जहाँ इनका हाथ ना पहुँचे, चाहे वो एक तागा की घट्टी ही क्यों ना हो। इसी वजह से इतने दिनों से मशीन मेरी ऊपर पड़ी थी, इसीलिए मैं नीचे नहीं ला रही थी, क्योंकि बच्चे क्या है एनी टाइम नीचे ही रहते हैं। तो नीचे तो क्या है हर टाइम इनका हाथ चला जाता है, बट ऊपर कभी कभार जाते हैं, और ऊपर ये इतना बिखेरा नहीं कर पाते थे। और जैसा कि मैंने बताया, शायद नहीं बताया आपसे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था। जी हाँ, मैंने सोचा था कि कल मैं खुद ऐसे ही फेस टू फेस आकर बोलूँ कि वीडियो क्यों नहीं आया, बट टाइम नहीं मिला। और फिर भैया आ गया था आज सुबह से ही, तो खाना पीना हमने बना कर खा लिया था आराम से, और इसको भी मेरे साथ साथ हेल्प में लगा दिया, क्योंकि जो भी सामान है ना उसको देती गई मैं, और ये नीचे रख दिया। फिर पूरा साफ़ सुथरा कर कर झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा कर वापस से सामान अच्छे से जमा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे वापस उतारा वापस जमा रही हूँ, बट है ना थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, मतलब खाली जगह मिल जाएगी कुछ रखने के लिए। क्या है कि हस्बैंड जी इधर उधर रख देते हैं, ज़्यादातर सामान इन्हीं का है, पाने पेस कर जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना दुकान का वही रहता है, तो पूरा बिखेर देते हैं। तो उसी को मैंने सेट कर कर रख दिया था कि थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। चेरी हमारा सो गया है, जैसे कि आप सबको पता है कि फिक्स 12 बज के उसको मतलब सोना ही सोना है और अब तो वो खुद से बोलने लग गया है, तो वो बोल देता है मुझे सोना है सोना है, इसी वजह से तो उसको सुला दिया था। तो शायद मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, बट मैं भूल गई थी तो बस सारा काम हो गया था, बस फाइनल रह गया था पोछा, और अब मैं लगा देती हूँ पोछा। तो आज से है ना मतलब मैं अपने सिलाई का काम शुरू करने वाली हूँ, पार्लर भी शुरू करूँगी, बट है ना सिलाई का काम ऐसा है कि चलो मैं नीचे मशीन ले आई, तो नीचे से ही मतलब कोई भी औरत, कोई भी मतलब कोई भी ग्राहक आएगा तो उसको नीचे से ही हम उसका कपड़ा ले लिया, सिल लिया और दे दिया, रवाना कर दिया, मतलब ऊपर जाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं इसी कारण मतलब दूसरे अदरवाइज का सिलाई नहीं लेती थी, कि पूरा घर मतलब कमरे रूम किचन पूरा मैं चढ़कर ऊपर आए कोई भी तो अच्छा नहीं लगता है, हर कोई पता नहीं कौन कैसा है। इसी वजह से है ना मैं इतने दिन सिलाई नहीं ले रही थी, और अब तो सीजन भी नहीं है क्योंकि गर्मी का कारण है, बट ये है कि चलो हम किसी को बोलेंगे कि चलो हमने फिर से सिलाई स्टार्ट कर दी, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे सिलाई मशीन ला कर रख दी है। तो देखते हैं अब, मतलब मेरे जानने पहचानने वाले को मैंने कॉल कर कर भी बोल दिया और व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा दिया है, क्योंकि जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब मैं सिलाई करती थी, तो मतलब पूरे गांव वालों को पता है कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ। उस टाइम मैं काफ़ी ब्लाउज सिलती थी सबके, और सबको पसंद भी आते थे, और वही है कि घर पर बैठे बैठे क्या करें, तो सोचा कि चलो यही काम शुरू करते हैं। बच्चे दोनों ही थोड़े थोड़े बड़े हो गए, इतना तो समझदार है कि चलो मुझे कुछ भी काम करने देंगे, मतलब बाहर जाके तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि घर में रहकर तो कर ही पाऊँगी। और ऊपर एक ये भी टेंशन है कि हम किसी को मतलब हर किसी को ऊपर नहीं ले जा सकते, और एक ये भी था कि दोनों बच्चे ना खेलने कूदने में
ध्यान नहीं दे पाते, और ऊपर का चढ़ाव जो है ना एक बार चीनी को गिरा भी दिया था, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा डर भी लगता है ऊपर से कपड़े सिलने से, क्योंकि मैं थोड़ा सिलाई में लग जाऊंगी तो बच्चे दोनों खेलते खेलते कहीं चढ़ाव की तरफ ना जाए। इसी वजह से मेरी मशीन मैं लेकर आ गई हूँ नीचे, फाइनल पोछा मैंने लगा दिया है। सो गाइस अब नहा लेते हैं, बच्चे दोनों को नहला दिए हैं, मतलब दोनों को नहला दिया, एक को सुला भी दिया आप देख सकते हो, और एक टीवी देखने में बिजी है। अभी इसके छुट्टियां पड़ी है तो क्या करेगा बेचारा। हालांकि मैं इसको पढ़ाती भी हूँ बट ये पढ़ता ही नहीं है, थोड़ी देर पढ़ता है फिर नहीं भी पढ़ता है, मतलब इसका मन नहीं लगता, और इसका मन लगता है तो फिर चेरी नहीं पढ़ने देता है। तो ऐसे ही चल रहा है अभी, और थोड़े दिन मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही पढ़ाई करी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर का हाल तो इतना बुरा है, मतलब ऊपर क्या है हमारे चद्दर है, तो चद्दर की वजह से ना यहाँ मतलब एक पल के लिए भी खड़ा भी नहीं रहा जाता है कि हाँ हम खड़े होकर 5 मिनट या कुछ काम कर ले, इतना बुरा मतलब यहाँ पर इतनी बुरी वाली गर्मी लगती है गाइस, इतनी बुरी वाली। तो बस फटाक से मैंने कपड़े डाले और थोड़ा सा मैं ना अपने बाल हाँ मतलब सही कर लूँगी, ताकि नीचे है ना बाल बिखरे ना, और झाड़ू पोछा करने के बाद तो फिर अगर बाल दिख जाए ना फर्श पर तो बहुत बुरा लगता है, तो इसी वजह से यहीं पर थोड़े से बाल मैंने बना दिए और कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और ऊपर का मैं झाड़ू पोछा है ना गाइस सुबह ही कर लेती हूँ, जबकि मतलब सुबह सुबह जब ठंडा मौसम था तब, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी भयंकर वाली गर्मी है कि आप फेस कर सकते हो, मुझे देख सकते हो इतनी ही देर में। ऊपर है ना थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए थोड़ी सी दिखा रही थी। और एक ये पेंटिंग है जो मैंने घर पर बनाई थी तो मैंने रख दी है ऊपर, क्योंकि ये है ना रेडीमेड मैं लेकर आ गई थी, मतलब बनी बनाई फ्रेम समेत, तो इसको मैंने लगाने की सोचा, बट अभी थोड़ा सा एक ही कील थी, 2 कीलें नहीं थी। फाइनल घर पूरा साफ सुथरा है, तो चलिए अब करते हैं सेकेंड काम, जो कि है वही की नई शुरुआत करते हैं, बट अभी नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास किसी ग्राहक के ब्लाउज नहीं है, तो मेरी ही कुछ साड़ियां हैं, तो सोचा कि चलो फॉले लगाने शुरू कर देती हूँ, इतने में ही आ जाते हैं हमारे घर पर मेहमान, तो मेरा सारा सेटअप ना मुझे हटाना पड़ता है गाइस। तो मैंने सारा कुछ हटा दिया था और फिर उनको चाय पानी पिलाई तो फिर वो चले गए थे। उसके बाद में यहाँ मैंने फिर से अपनी प्रेस लगाई और जितनी भी मेरी फॉले थी मैंने सारी प्रेस कर दिए, और अब मैं लगाऊंगी अपनी साड़ियों की फॉल। अभी तो मेरा ही काम करूंगी, मतलब दरवाजे के पास लगाऊंगी मशीन को, जब किसी ग्राहक को दिखेगा, मतलब हमारे यहाँ गाड़ी सुधारने आती है ना मतलब जेंट्स लोग, तो उनके साथ कुछ कुछ लेडीज़ भी रहती है, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई हम ब्लाउज सिलते हैं, तो शायद कोई सिलवाएगा। और वैसे भी मतलब जो हमारे गांव के हैं उनको पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे वही है कि चलने लग जाएगा कुछ काम। अभी क्या है मैं मार्केट में दुकान किराए का लेने का सोच रही थी, बट है ना बच्चे दोनों ही छोटे हैं तो हो नहीं पाता है, बाकी मेरा बहुत मन है कि मैं मार्केट के अंदर एक दुकान ले लूँ किराए से और वहीं पर अपना सारा कुछ काम करूँ, पार्लर वगैरह सब कुछ सेट करूँ, बट अभी थोड़े से और बोलते हैं ना थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। और अभी तो थोड़ा सीजन भी नहीं है, हमारे इधर सीजन आती है जब हमारे इधर खेतों में फसलें आती हैं तब सीजन आती है, अभी तो क्या है कि पूरे खेत खाली पड़े हैं, फसल भी मतलब ले चुके हैं, तो यहाँ पर है ना बिल्कुल भी भीड़ भाड़ मतलब एरिया नहीं है, और शादी पार्टी भी निपट गई है, तो इतना सीजन किसी भी काम का नहीं है। सो गाइस मेरी बातें तो पता नहीं किस किस को समझ में आ रही हूँ, मैं ऐसे ही पड़ पड़ बोले जा रही हूँ। और यहाँ पर है ना मशीन मेरी इतनी मुझे परेशान करे जा रही है, बार बार डोरी निकले जा रही है बार बार ही, पता नहीं इस मोटर का स्क्रू ढीला है, पता नहीं डोरी शायद बड़ी है, क्या ही प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो फिर भैया ने बोला कि चलो मैं चेक करता हूँ, और भाई मेरा है ना कुछ काम से आया है यहाँ, मतलब इसका कुछ काम है तो उसी डॉक्यूमेंट को तैयार करवाने के लिए यहाँ आया है। भाई ने चेक करी मशीन की क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, स्क्रू टाइट है, डोरी पड़ी है, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो वही चेक कर रहा है। ये मेरी डोरी बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो रही, इसको मैं जा रही हूँ दुकान पर लेकर। गाड़ी तो ले ओ शिट,
सो गाइस डोरी हम लेने गए थे मसीह की बट वो नहीं मिली, तो अभी हम इसी से काम चलाएंगे, देखते हैं फिर कभी मिलेगी। और गर्मी इतनी भयंकर है तो फिर हमने आके तुरंत गर्मी का इलाज यानी कि गर्मी को गर्मी से मारते हैं चाय। तो यहाँ मैंने चाय बना दी है, सुबह मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया तो अब मैं खाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब थोड़ा सा ना मुझे भूख लग गई है, सुबह ना खाना ढंग से खा नहीं पाई थी तो अब थोड़ी चाय बना दी मैंने, सबको दे दी है बाहर, और मैं खाऊंगी पराठा चाय के साथ। हालांकि पराठा गरम होना चाहिए बट ना ठंडा भी खा लेती हूँ, मुझे मतलब कभी कभार ऐसे अच्छा लगता है चाय के साथ पराठा खाना, और दिन में खासकर सुबह सुबह नहीं, कोई कोई सुबह सुबह खाते हैं चाय और पराठा। और दोनों बच्चे अभी सोए हैं, मेरा सारा काम हो चुका है। काम का मतलब था मेरी जितनी भी साड़ियाँ थी ना, तीन साड़ियाँ थी, जितनी तो क्या थी, तीन ही थी, तो तीनों साड़ियों की मैंने फॉल लगा दी है। दो की तो मैंने डायरेक्ट है ना मशीन से ही लगा दी, मतलब हाथ से लगाने का काम ही नहीं रखा मैंने, ऐसे ही नॉर्मल से साड़ियाँ है घर में पहनने के लिए तो कौन उनको मेहनत करे। और एक साड़ी की मैंने ना हाथ से लगाई तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बाकी मैंने दो साड़ियों की ना दोनों तरफ मशीन चला दी तो मेरा काम तो हो गया। और उनके ना मैं ब्लाउज नहीं सिलूँगी, अगर मैं ब्लाउज सिलूँगी ना किसी साड़ी का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो पूरी सिलाई मतलब कटिंग स्टिचिंग है ना, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको देखना है तो। तो यहाँ पर शाम के टाइम का थोड़ा सा निकाल लेते हैं झाड़ू और कर देते हैं दिया बत्ती, और वैसे भी है ना शाम होने वाली है। और फिर तरबूज इतने पड़े थे फ्रिज के अंदर, यहाँ पर है ना थोक से मिलते हैं तो हस्बैंड जी ने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे तो मैं एक दे देती हूँ बाहर खाने के लिए, और हमने तो दिन में खा ही लिया था। तो बस इसी के साथ में इस वीडियो को यही कर देते एंड। और अगर आपको भी खाना है तरबूज आ जाइए, आप सबको भी चिल्ड चिल्ड तरबूज खाने को मिल जाएगा। देखिए खूब सारे पड़े हैं, ख़त्म भी नहीं हो गए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बस ना है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, राधे राधे, ख्याल रखिए अपना अपना, गर्मी बहुत।